कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए भूषण साइंस प्लस को और करे अपने फार्मा एंड नर्सिंग का सपना साकार। डाउनलोड द एप नाउ। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3 प्रिस्क्रिप्शन एंड प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग। तो इस चैप्टर में सबसे पहले है प्रिस्क्रिप्शन का डेफिनेशन, व्हाट इज प्रिस्क्रिप्शन, करेक्ट। प्रिस्क्रिप्शन क्या है? प्रिस्क्रिप्शन एक्चुअली में जो फिजिशियन होता है या कोई रजिस्टर्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल होता है, मतलब डॉक्टर जो होता है, उसका फार्मासिस्ट के साथ में कम्युनिकेट करने का एक तरीका है कि फिजिशियन को अगर फार्मासिस्ट कुछ बताना है तो वो प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू बताएगा। और नेक्स्ट थिंग ये कि इस प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू जो फिजिशियन होता है वो फार्मासिस्ट को ये अथॉरिटी देता है कि आप ड्रग को, जो भी ड्रग प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है वो ड्रग पेशेंट को दे सकते हैं, वो ड्रग जो है पेशेंट को दे सकते हैं, ये अथॉरिटी देता है। तो प्रिस्क्रिप्शन का ये मीनिंग होता है, करेक्ट। अब एक्चुअली में अगर बुक पॉइंट ऑफ व्यू देखी जाए तो ये है कि इट इज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन, इट इज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्रॉम अ फिजिशियन, फ्रॉम अ फिजिशियन और एनी रजिस्टर्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू अ फार्मासिस्ट, करेक्ट। यही मैंने बोला है ना। और इस प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू क्या हो रहा है, अथॉरिटी दी जा रही है किसको, फार्मासिस्ट को, किस बात के लिए, टू डिस्पेंस अ स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। तो ऑथोराइजिंग देम मतलब फार्मासिस्ट को, ऑथोराइजिंग देम, देम मतलब कि यहां पे हो गया फार्मासिस्ट, टू डिस्पेंस अ, टू डिस्पेंस अ स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग किसको, फॉर अ स्पेसिफिक पेशेंट, फॉर अ स्पेसिफिक पेशेंट मतलब सभी को नहीं, स्पेसिफिक पेशेंट लिखा है मतलब जिसकी प्रिस्क्रिप्शन है बस उसी को, उसके अलावा और किसी को, करेक्ट। अब जो प्रिस्क्रिप्शन वर्ड जो है ना, प्रिस्क्रिप्शन वर्ड जो है आप अगर देखेंगे तो ये एक्चुअली में एक लैटिन वर्ड से बनकर आया, लैटिन वर्ड से जिसको हम बोलते हैं प्रेस्क्रिप्टस। क्या बोलते हैं? प्रेस्क्रिप्टस। ये जो है लैटिन वर्ड है, ये क्या है, लैटिन वर्ड है इसका, करेक्ट। ये है तो इसमें जो प्रे है इसका मीनिंग क्या होता है, बिफोर, का मीनिंग क्या होता है, बिफोर। और जो दूसरा वर्ड है जिसको हम बोलते हैं स्क्राइबर, क्या बोलते हैं, स्क्राइबर, इसका मीनिंग होता है टू राइट, टू राइट, करेक्ट। तो ये इस लैटिन वर्ड से प्रिस्क्रिप्शन वर्ड बन गया। अब अगर प्रिस्क्रिप्शन वर्ड का मीनिंग देखा जाए, मतलब इसका अगर मीनिंग देखा जाए एक्चुअली में, तो ये होता है टू राइट बिफोर। अब टू राइट बिफोर मतलब कि किसी चीज के पहले लिखा जा रहा है, ये टू राइट बिफोर, तो किसके पहले लिखा जा रहा है, करेक्ट। तो यहां पे आप बोलोगे इट मींस, इट मींस व्हाट, प्रिस्क्रिप्शन हैड टू बी रिटन बिफोर अ ड्रग कुड बी कंपाउंडेड एंड एडमिनिस्टर्ड टू अ पेशेंट। मतलब प्रिस्क्रिप्शन जो है किसी भी ड्रग के कंपाउंड होने के पहले और पेशेंट के मेडिसिन या ड्रग खाने के पहले लिखा जाना चाहिए, राइट। तो प्रिस्क्रिप्शन हैड टू बी, प्रिस्क्रिप्शन हैड टू बी रिटन बिफोर अ ड्रग, रिटन बिफोर अ ड्रग, बिफोर अ ड्रग कुड बी कंपाउंडेड मतलब बनाने के पहले, करेक्ट, कुड बी कंपाउंडेड
एंड एडमिनिस्टर टू द पेशेंट, मतलब पेशेंट के खाने के पहले, ये दोनों काम के पहले प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाना चाहिए, इसका ये मतलब। तो यहां पे हमने प्रिस्क्रिप्शन को समझ लिया, प्रिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन समझ ली, राइट। अब हमको समझना है कि प्रिस्क्रिप्शन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, है ना। प्रिस्क्रिप्शन माने ऐसा नहीं है कि उठाया पेपर और लिख दिया, प्रिस्क्रिप्शन के अपने स्पेसिफिक पार्ट होते हैं, उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। तो उस स्ट्रक्चर को हमें समझना है कि आपके सामने अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन आ जाए तो आप ये समझ पाओ कि कौन से पार्ट को क्या कहा जाता है, करेक्ट। तो अब मैं आपको बता रहा हूं पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, क्या बता रहा हूं, पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। सबसे पहला पार्ट है जिसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन ऑफ प्रिस्क्राइबर। ये सभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, इंफॉर्मेशन ऑफ प्रिस्क्राइबर, करेक्ट। दूसरा पार्ट इसमें होता है डेट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, डेट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, करेक्ट। तीसरा इसका पार्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं पेशेंट डेटा, करेक्ट, पेशेंट डेटा। पेशेंट डेटा में क्या क्या जाना चाहिए, पेशेंट डेटा में जैसे नेम ऑफ पेशेंट, एज ऑफ पेशेंट, सेक्स ऑफ पेशेंट, एड्रेस ऑफ पेशेंट, ये सब कुछ आ जाना चाहिए, करेक्ट। तो नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट, इन सब का अपना अपना यूज है। अभी हम लोग देखेंगे दो मिनट बाद क्या क्या यूज है इसका, पहले हम पार्ट को लिस्ट कर लेते हैं, करेक्ट। देन उसके बाद सुपरक्रिप्शन, देन उसके बाद सुपरक्रिप्शन, देन उसके बाद इंस्क्रिप्शन, देन उसके बाद इंस्क्रिप्शन, देन उसके बाद सबक्रिप्शन, सबक्रिप्शन, करेक्ट। देन उसके बाद जो है आपका आ जाएगा सिग्नेचरा, या उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, करेक्ट, सिग्नेचरा, या इसी को अपन कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और उसके बाद आठवां नंबर है रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन, रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन, और नाइन्थ है रजिस्ट्रेशन नंबर एंड सील, राइट। तो अब मैं आपको ये सारे पार्ट जो है ये प्रिस्क्रिप्शन में कहां कहां लिखे होते हैं वो मैं आपको बताऊं, करेक्ट। देखो जैसे ये कोई एक प्रिस्क्रिप्शन है मान, राइट, तो सबसे पहले ऊपर में रहेगा डेट, सबसे पहले ऊपर में रहेगी डेट, ठीक है। तो एक हो गया आपका डेट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, राइट। देन उसके बाद इंफॉर्मेशन ऑफ प्रिस्क्राइबर, प्रिस्क्राइबर कौन है, डॉक्टर, तो यहां पे डॉक्टर का नाम आ जाएगा, डॉक्टर का एड्रेस आ जाएगा, और यहां पे जो है रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिख सकते अगर डॉक्टर चाहे तो, नहीं तो नीचे सील के साथ तो आएगा ही, करेक्ट। तो ये आपका हो गया इंफॉर्मेशन ऑफ प्रिस्क्राइबर। देन उसके बाद पेशेंट डेटा, पेशेंट डेटा में क्या क्या आएगा, पेशेंट का नेम आ जाएगा, क्या पेशेंट नेम आ जाएगा। देन उसके बाद पेशेंट का एज आ जाएगा, करेक्ट, कि एज जो है मान लीजिए 40 इयर्स है, करेक्ट। देन उसके बाद पेशेंट का सेक्स आ जाएगा कि वो मेल है कि फीमेल है, मेल है कि फीमेल है, वो आ जाएगा, करेक्ट। देन उसके बाद उसका वेट आ जाएगा, यहां इसे 55 केजी वेट है मान, करेक्ट, और चाहे तो पेशेंट का एड्रेस यहां पे लिख सकते, ठीक है। देन उसके बाद आपका आ जाएगा सुपरक्रिप्शन, सुपरक्रिप्शन मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा डॉक्टर इस टाइप से आर एक्स लिखता है, करेक्ट, आर एक्स लिखता है, ये आर एक्स जो है इट इज कॉल्ड एज सुपरक्रिप्शन, इस आरएक्स को हम बोलते हैं सुपरक्रिप्शन, इसका मीनिंग मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। देन इसके बाद इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन मतलब कि जो ड्रग का नाम लिखा जाता है, करेक्ट, जैसे मान लो पैरासिटामोल, पैरासिटामोल 500 mg अगर लिखा है तो ये कहला जाएगा आपका इंस्क्रिप्शन, करेक्ट।
देन उसके बाद सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए पैरासिटामोल की 500 mg की 10 टैबलेट अगर डॉक्टर ने लिखा है, तो यहां पर जैसे 10 टैबलेट अगर लिखी हुई है तो इट इज कॉल्ड एज सब्सक्रिप्शन। इट इज कॉल्ड एज सब्सक्रिप्शन, करेक्ट। देन उसके बाद सिग्नेचरा एंड ट्रांसक्रिप्शन। तो आप देखो डॉक्टर यहां पे ना डोजिंग भी लिखता है कि भैया दिन में एक बार खाना है, दो बार खाना है, तीन बार खाना है, इस टाइप से। तो ये जो फ्रीक्वेंसी लिखी होती है इट इज कॉल्ड एज सिग्नेचरा और ट्रांसक्रिप्शन, करेक्ट। देन उसके बाद रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन, मतलब क्या होता है कि डॉक्टर जो है अगर कोई पेशेंट उससे हर 15 दिन में मिल रहा है तो वो हर बार नया प्रिस्क्रिप्शन नहीं बनाता है, वो सेम प्रिस्क्रिप्शन में कुछ रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन लिख देगा कि पिछले बार ये दिया था, इस बार ये चेंज कर दो, या पिछले बार ये प्रॉब्लम थी, इस बार ये प्रॉब्लम है, मतलब जो भी उसका वो रहेगा इंस्ट्रक्शंस रहेंगे वो यहां पे लिख देगा रिन्यूअल, राइट। देन उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर एंड सील, तो यहां पे डॉक्टर का सिग्नेचर आ जाएगा, राइट। और उसके बाद नीचे में डॉक्टर का सील लग जाए, सील में जो है रजिस्ट्रेशन नंबर रहे, सील में क्या रहेगा रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, करेक्ट। तो ये इस टाइप से आपका एक प्रिस्क्रिप्शन का स्ट्रक्चर होता है। अब मैं आपको एक एक करके ये सारे जो भी मैंने 9 पॉइंट आपको लिखवाए हैं, ये 9 पॉइंट के बारे में आपको बता देता हूं, करेक्ट। ये स्ट्रक्चर आप समझ गए प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। ओके, चलिए। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन ऑफ प्रिस्क्राइबर, तो इसमें बताने वाली बात कुछ नहीं है, इसमें जो है आपको नेम ऑफ डॉक्टर, एड्रेस ऑफ डॉक्टर या फिर एड्रेस ऑफ प्रिस्क्राइबर बोल सकते हो, और कॉन्टेक्ट नंबर, ये तीन चीजें होनी चाहिए। मतलब नेम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए और कॉन्टेक्ट नंबर। कॉन्टेक्ट नंबर इसीलिए क्योंकि अगर प्रिस्क्रिप्शन समझ में नहीं आ रहा है या प्रिस्क्रिप्शन में कोई ऐसा ड्रग लिखा है जो अवेलेबल नहीं है, तो जो फार्मासिस्ट है वो प्रिस्क्राइबर से कांटेक्ट करता है, करेक्ट। देन उसके बाद दूसरा डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, तो डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन जो है हमेशा प्रिस्क्रिप्शन के टॉप पर होना चाहिए, करेक्ट। और इसमें जो है हमेशा करेंट डेट लिखी होनी चाहिए। करेंट डेट लिखी होने से फायदा क्या होता है कि अगर कोई ओल्ड प्रिस्क्रिप्शन है तो उसको पहचाना जा सके, ऐसा ना हो कि पेशेंट जो है वो एक साल पुराने प्रिस्क्रिप्शन के बेस पे मेडिसिन लेते जाता है, करेक्ट। अगर मान लीजिए प्रिस्क्रिप्शन में कोई नारकोटिक ड्रग है या कोई ऐसा ड्रग है जो हैबिट फॉर्मिंग करता है, मतलब जिससे आदत लग सके, जैसे नशे की गोलियां, नींद की गोलियां, तो ऐसा अगर कोई ड्रग है तो यहां तो डेट एकदम कंपलसरी है, डेट एकदम कंपलसरी है, करेक्ट। देन उसके बाद पेशेंट डेटा। अब पेशेंट डेटा में जो है सबसे पहले तो नेम होना चाहिए। नेम किस लिए होना चाहिए? टू आइडेंटिफाई द पेशेंट्स, करेक्ट, टू आइडेंटिफाई द पेशेंट, क्योंकि घर में जो है कई सारे प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं, तो भैया कौन सी चिट्ठी किसकी है, कौन सा प्रिस्क्रिप्शन किसका है, तो अगर नाम लिखा रहेगा तो फैमिली मेंबर्स भी पहचान पाएंगे कि ये प्रिस्क्रिप्शन इस बंदे का, करेक्ट। देन उसके बाद एज होना चाहिए, वेट होना चाहिए, पेशेंट का एज और वेट होना चाहिए। एज और वेट जो है ये चिल्ड्रन के केस में, चिल्ड्रन के केस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि चिल्ड्रन में जो डोजिंग होती है वो उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग और उसके एज के अकॉर्डिंग, करेक्ट। और उसके बाद जो है एड्रेस, एड्रेस ऑफ पेशेंट। तो एड्रेस किस काम में आएगा? फॉर लेटर स्टेज। अगर मान लो कि बाद में कभी फार्मासिस्ट को अगर जरूरत पड़ रही है कि भैया पेशेंट को कांटेक्ट करना है
या पेशेंट का जो है ड्रग का होम डिलीवरी करना है, तो उस केस में जो है एड्रेस काम आ जाता है, करेक्ट। देन उसके बाद बात करते हैं सुपरक्रिप्शन की। सुपरक्रिप्शन जैसे आपको बताया, जो डॉक्टर आरएक्स लिखता है इसको हम लोग कहते हैं सुपरक्रिप्शन, करेक्ट। सुपरक्रिप्शन का एक्चुअली जो लैटिन मीनिंग है, करेक्ट, जो लैटिन मीनिंग है वो क्या है, वो है यूटेक। उसको हम क्या कहते हैं, यूटेक, करेक्ट। तो ये लैटिन वर्ड है और इसका जो है इंग्लिश मीनिंग अगर देखा जाए इसका मतलब क्या होता है, यूटेक, आप लीजिए, करेक्ट। अब यहां पर पहले क्या होता था कि इसका जो मीनिंग था अर्लियर जो है इसको देखा जाए तो इसका जो मीनिंग था क्या था, प्रेयर टू जुपिटर, मतलब जो प्रिस्क्राइबर है वो जुपिटर से प्रार्थना कर रहा है, इस टाइप से इसका मीनिंग था, करेक्ट। तो प्रेयर टू जुपिटर, जुपिटर को ही क्यों, क्योंकि जुपिटर जो है इज अ गॉड ऑफ हीलिंग, ये जो है गॉड ऑफ हीलिंग कहलाता है, इसीलिए इसको प्रेयर टू जुपिटर पहले माना जाता है, करेक्ट। देन इसके बाद जो है आपका इंस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है, इसमें जो है कंपोजिशन ऑफ मेडिसिन, जैसे पैरासिटामोल, करेक्ट, और अमाउंट ऑफ डोज, मतलब पैरासिटामोल 500 mg, ये इसमें लिखा हुआ रहेगा। तो कंपोजिशन ऑफ द मेडिसिन एंड अमाउंट ऑफ डोसेज जो है इसमें लिखा हुआ है, करेक्ट। अब इसके बाद जो है जो ड्रग का नाम रहेगा और जो इंग्रेडिएंट रहेंगे, अगर इंग्रेडिएंट है कि मान लीजिए कोई ड्रग अगर कंपाउंड करना पड़ रहा है तो ड्रग का नाम और जो इंग्रेडिएंट, जैसे आपका डाइल्यूएंट हो, वेहिकल हो, ये जो है अलग अलग लाइन में लिखे होंगे। इसको समझने के लिए मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं इसका। फॉर एग्जाम्पल, पैरासिटामोल 500 mg, करेक्ट। देन उसके बाद जो है सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है, सब्सक्रिप्शन मतलब आप देखेंगे कि इट कंटेन डायरेक्शन टू डिस्पेंस डोसेस फॉर्म, करेक्ट। इसमें क्या रहता है, डायरेक्शन टू डिस्पेंस डोसेस फॉर्म, डायरेक्शन टू डिस्पेंस डोसेस फॉर्म, मतलब कि जैसे पैरासिटामोल का टैबलेट है तो भैया पैरासिटामोल का टैबलेट जो है अगर ऐसा लिखा हुआ है, पैरासिटामोल ऐसे लिखा रहेगा, टैब लिखा रहेगा सामने में और यहां पे लिखा रहेगा पैरासिटामोल, करेक्ट। और पैरासिटामोल का अगर 10 टैबलेट देना है तो इसके आगे लिखा रहेगा 10, है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो फार्मासिस्ट है उसको क्या करना है, 10 पीसेस ऑफ पैरासिटामोल टैबलेट जो है वो पेशेंट को देना, करेक्ट। अब इसके बाद जो है आपका सिग्नेचर या फिर उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन। इसका मतलब क्या होता है, ये जो है एक डायरेक्शन होता है, करेक्ट, डायरेक्शन गिवन बाय राइटर टू द पेशेंट, करेक्ट। तो डायरेक्शन गिवन बाय राइटर टू द पेशेंट, है ना, मतलब डॉक्टर जो है वो पेशेंट को डायरेक्शन दे रहा है कि भैया कैसे और कब मेडिसिन को खाना है, करेक्ट, हाउ एंड व्हेन मेडिसिन आर टेकन, ये लिखा हुआ रहेगा। इसमें मैंने आपको बताया दिन में 3 बार, है ना। तो जैसे दिन में 3 बार है तो कई बार डॉक्टर्स जो है या तो ऐसे लिख देते हैं, 3 गोले बना देंगे, अलग अलग स्टाइल होता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड टेक्निक है वो लिखना होता है जैसे TDS लिखना होता है। TDS मतलब क्या होता है, 3 times a day, क्या होता है, 3 times a day, करेक्ट। वहीं पे बीडी मतलब कि ट्वाइस अ डे,
करेक्ट, बीडी बोलो या इसको बीआईडी भी बोल सकते हैं, करेक्ट, कई बुक में बीआईडी ऐसे बीआईडी, करेक्ट। तो और उसके बाद रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन आपको बता चुका हूं और रजिस्ट्रेशन नंबर और सील ये तो कॉमन सा रहेगा। अब यहां पे जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो है जो आपका सिग्नेचर या ट्रांसक्रिप्शन जो है ये होता है, करेक्ट। अब इसके अलावा जो है कुछ एब्रीविएशंस प्रिस्क्रिप्शन में और यूज किए जाते हैं, करेक्ट, जो लैटिन में होते हैं। एक बात आपको बता दूं, हर जगह देखो लैटिन लैटिन वर्ड आता है लैटिन लैंग्वेज में, क्यों? क्योंकि लैटिन लैंग्वेज के साथ में खास बात यह होती है कि लैटिन लैंग्वेज में किसी भी टाइप का सिनोनिम नहीं होता है। लैटिन लैंग्वेज में एक ही वर्ड होता है, उसका कोई सिनोनिम नहीं होता है, करेक्ट, है ना। हमारे इंग्लिश में जो है सिनोनिम्स होते हैं, यहां पर सिनोनिम्स नहीं होते हैं, इसीलिए लैटिन लैंग्वेज को प्रिफर किया जाता है।